हाँ बेटा, तो इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एरर्स ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल पढ़ रहे हैं बेटा ना इसमें। तो आर्टिकल हमने बताया दो प्रकार की होती है, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में सब कुछ बता दिया, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगेगी यह भी हमने आपको बताया ना। अब कल जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्पेशल पॉइंट पढ़ा बेटा। वह स्पेशल पॉइंट क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर सुनते हैं। पहला स्पेशल पॉइंट, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। दूसरा पॉइंट था बेटा, यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है तो वाक्य के शुरू में आती है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ा बेटा कि यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। पढ़ा कि नहीं, समझ में गया। इसके अलावा बताया बेटा चौथा पॉइंट कि यदि कोई नहीं, यदि कंपरेटिव डिग्री के बाद आफ लगता है, आफ आता है, तो कंपरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बताया चार ये स्पेशल पॉइंट बताया, एक डबल स्पेशल बताया था, क्या याद करो, यदि किसी भाषा के पहले, अब द की बात नहीं हो रही, आर्टिकल की बात हो रही, आर्टिकल तीन होती हैं ए एंड द, ठीक है। यदि किसी भाषा के पहले आर्टिकल लग जाती है तो वह वहां के नागरिक को संबोधित करती है। ए और एन, भाषा के पहले ए और एन लगाओगे तो एक वचन का नागरिक होगा, भाषा के पहले अगर द लगा दोगे तो वह बहुवचन का नागरिक हो जाएगा। इतना हम पढ़ चुके, ठीक है। तब आप आगे पढ़ेंगे, आज इस आगे पढ़ेंगे, इसके पहले एक सूचना उठा, कुछ लड़के चाह ये रहे हैं कि हमको पूरा कवर हो जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंथेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डिग्री, वह जल्दी से, क्योंकि उनका कंपटीशन जो है करीब करीब तैयार है, थोड़ा बहुत उनको जो है रिवीजन करना, तो उनको ये सलाह देते हैं कि आप मेंबरशिप ले लें, बहुत महंगा नहीं है, मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेने के लिए नीचे आप देखो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप YouTube पर भी जमा कर सकते हो और नहीं तो सीधे जो है आप फोन पर भी जमा कर सकते हो। हम उस पर अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, सब लिखा हुआ है, उस पर आप पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है। अगर कैश कोई देना चाहता है तो वह हमारी कोचिंग में आकर के जमा कर सकता है, लेकिन फोन उसको करना पड़ेगा, ठीक है, हमारी बात सुनो। तो पूरा आपको ग्रामर एक साथ मिल जाएगी, कंपटीशन क्लर्क के लिए बता रहे हैं बेटा। और जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे, जैसे यहां पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट सब क्लियर करके चलाए बेटा, तो समझ गए ना। चार्ज के लिए डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन खोलें, नीचे दिया गया बेटा सब, पूरा डिटेल में दिया गया है, उसको आप पढ़े उस अनुसार आप जमा कर सकते, यानी कि आप मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग यह पढ़ेंगे, आज शुरू करेंगे बेटा
कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगी ना, तो लिख लो बेटा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। यानी कि ओमिट वर्ड याद रखना, ओमिट माने हटाना, ठीक है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई कठिन नहीं होगा, रटो नहीं, समझो। यहां बताइए बेटा आर्टिकल किसके लिए आती है, बता चुके किसके लिए आती है बेटा, नाउन के लिए। और नाउन कितने प्रकार का होता है बोलो, पांच प्रकार का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। अगर इन पांच नाउन के बारे में हम और आप सही ढंग से जान लें तो बताइए रटने की जरूरत है। फिर से आर्टिकल आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकलें कहां नहीं, कहां कहां पर नहीं लगेंगी, यह पढ़ने जा रहे हैं। ओमिट माने हटाना, यानी कहां कहां आर्टिकल हटेंगे। अब पूछा हमने कि आर्टिकल किसके लिए आती है, तो बताया था आर्टिकल माने उपपद संज्ञा के समीप में, यानी कि आर्टिकल आती किसके लिए है, संज्ञा के लिए। और संज्ञा माने नाउन, तो नाउन कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार का। अगर उस पांच प्रकार के नाउन के बारे में हमको आपको सच्ची जानकारी हो गई तो सब कुछ सरल हो जाएगा पक्का। तो बताइए बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा जाए, प्रॉपर नाउन। अब पाठक स्टाइल है, फोटो बनाने जा रहे हैं, ध्यान सुना, लिख लो बेटा प्रॉपर नाउन। इसे पहले इसे फोटो से बनाना, प्रॉपर नाउन के ठीक पहले ए एंड द ऐसे लगा दो और इसको काट दो। नियम समझ में आ गया होगा बेटा, नो रट्टा, फोटो देखो, तमाशा अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या लिखा बेटा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। ए अ एंड द इनका प्रयोग नहीं होता प्राय। क्या कहा, प्रॉपर नाउन माने क्या होता बेटा, प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका मतलब प्रॉपर माने व्यक्ति हुआ, नहीं बेटा। जो अंग्रेज लिख रहा है उसको समझो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर माने उचित और नाउन माने संज्ञा। किसी वस्तु को उचित नाम दिया जाए, किसी भी वस्तु को उचित नाम दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का जो नाम है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपरली जिसका नाम रखा गया है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हमारी बात समझो, अब कैसे समझो, एक लड़का पैदा हुआ, करियक है, इनका नाम कल्लू रख दो, कल्लू कल्लू कल्लू, तो कल्लू हो गए, उचित नाम रखा गया। एक लड़का पैदा हुआ गोरा है, इनका नाम गोरेलाल रख दो, गोरेलाल रख दो, नहीं समझो। एक लड़का पैदा हुआ बहुत हाथ पांव फेंक रहा है, चला रहा है, इनका नाम चंचल उपाध्याय रख दो, यानी कि उचित नाम दिया गया। अरे दुकान कोई कोई खोलते हैं उसका भी उचित नाम होता है, तो प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब उचित संज्ञा,
किसी भी वस्तु को उचित नाम दिया जाएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सिखावड़ा समझे ना, लेके आवड़ा सब द सपना हैज गॉन टू द आगरा। ये लिखे आवड़ा द सपना हैज गॉन टू द आगरा। इस वाक्य में दो गलतियां आवड़ा, सपना कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल आपने लगाया क्या है गलत है। आगरा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल द लगाया क्या हो गया गलत हो गया। अब पढ़ो सही वर्ड, सपना हैज गॉन टू आगरा। नोट जैसे कहा वर्ड द मनोज लिव्स इन द दिल्ली। द मनोज लिव्स इन द दिल्ली। दो गलतियां हो रहा, मनोज कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, इसके पहले आपने आर्टिकल लगाया क्या हो गया गलत हो गया। दिल्ली कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आपने आर्टिकल लगाया हुआ गलत हो गया बेटा। क्या होने का, मनोज लिव्स इन दिल्ली। हमारी बात सुनो, जैसे कहा बेटा द रेखा वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। द रेखा वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। रेखा कौन सा नाउन है बेटा, प्रॉपर नाउन। अरे लड़की का नाम है यार, तो प्रॉपर नाउन हुआ ना, इसके पहले आपने आर्टिकल जो लगाया हुआ क्या गलत है। लेकिन यह जो स्टेज है यह कॉमन नाउन है भाई, कॉमन नाउन पढ़ाएंगे, यहां कॉमन नाउन पहले आर्टिकल लगी है, सही है, वहां था नहीं कटेगा। पढ़ो बेटा बन गया, रेखा वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। हमारे पास सुनो, जैसे कहा बेटा द मोहन हैज टॉट द रवि। द मोहन हैज टॉट द रवि। मोहन ने रवि को पढ़ाया है, वाक्य आपका गलत है बेटा। क्या गलती है बेटा, मोहन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। द आपने लगाया क्या हो गया गलत हो गया। रवि जो है यह प्रॉपर नाउन है, आपने आर्टिकल लगाया क्या हो गया दरअसल। तो हमने आपको बताया क्या था, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत होता। जैसे एक और लिख लो, एन अमन, एन अमन हैज विजिटेड द ताज। एन अमन हैज विजिटेड ताज। अमन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एन तो सही है, लेकिन बेटा यहां पर आर्टिकल नहीं आएगी, कटा हुआ है। लेकिन प्राच के ताज के पहले आर्टिकल द सही है, ऐतिहासिक प्रसिद्ध इमारत है, लोग जानते हैं उसके बारे में। अमन हैज विजिटेड द ताज। नाउ बेटा से कहा बेटा ए नेहा इज प्लेइंग चेस इन द रूम। ए नेहा इज प्लेइंग चेस इन द रूम। नेहा लड़की का नाम है, ए जो आपने लगाया क्या हो गया गलत हो गया। तो प्रॉपर नाउन ये कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल तो सही है, भी बताएंगे आगे। तो आर्टिकल कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है यही तो सीखना बेटा। तो क्या बताया, प्रॉपर नाउन के पहले
आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लिख लिया? सब लिख रहे हो, नोट कर रहे हो ना? एन अमन नहीं होगा। अमन हैज विजिटेड द ताज। ए नेहा इज प्लेइंग चेस इन द रूम। गलत है, ए नहीं लगेगा, क्योंकि नेहा कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपरली नाम रखा गया है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो नेहा इज प्लेइंग चेस इन द रूम, ये सही हुआ। नोट कर लिया? अरे यार कलम कागज लियो ना, हम बता रहे हैं कि ये बुझौलिया वाली पढ़ाई नहीं है। कलम कागज हाथ में रखो, तब पाठक के शिष्य बनो, तब विद्वान बनोगे। तो चैलेंज करते हैं ISPCS तक, ऊंचा सा ऊंचा आपका टेस्ट होगा, परीक्षा होगी। अंग्रेजी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता बेटा। तो हमने तो रट लिया, क्या रट लिया? कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब एक लड़का फंसा दिया तो उसको बताना पड़ेगा ना। लिख लो बेटा लेकिन, लिख लो बेटा लेकिन। आगे लिखो लेकिन, क्या लिखे? लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले, लिखो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तब जब हम उसे कॉमन नाउन बना देते हैं। होता है तब जब हम उसे, उस प्रॉपर नाउन को क्या बना देते हैं? कॉमन नाउन। हमारी बात सुनो, और कंसेप्ट वही होता पीछे कि जो चीज निश्चित है अथवा जिसे निश्चित करना है उनके पहले आर्टिकल द लगाओगे, और जो अनिश्चित है उसके पहले ए और एन। ये हमेशा लागू रहेगा। मूल मंत्र तो वही है ना, मूल मंत्र क्या है? वही है कि डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल। तो इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले द लगता है, और जो अनिश्चितता है यहां पर वहां पर क्या लगाओगे? ए और एन। तो क्या सिखाएगा? अरे कहीं गाना सिखाया होगा यार, आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन सापेक्ष पढ़ाया ना। अरे जब हम कक्षा 8 पढ़ रहे थे तो रामराव यादव बताया था कि आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन सापेक्ष। आगे दी लगाओ पीछे आप लगाओ तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन। तो क्या सिखाएगा? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन होता है तब जब हम उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉमन नाउन। जैसे क्या होगा? कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यह वाक्य क्या है? कालिदास भारत के शेक्सपियर है ना। वाक्य आपका गलत हो गया भाई। सभी बच्चे कंपटीशन पढ़ रहे हो, सभी बच्चे इसको सही कर सकते हो। क्या सही करोगे? शेक्सपियर के पहले यहां पर क्या लगाओगे? द, तब वाक्य क्या होगा? सही होगा। अब लड़का पूछे, अगर वह लड़का पढ़ने वाला है तो, रटने वाला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला है तो पूछेगा। क्या पूछेगा? वो पूछेगा गुरुजी कालिदास कौन सा नाम है? अरे यार मनई का नाम है तो कौन सा नाम हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। इसके पहले आपने आर्टिकल नहीं गए, हमारी बात समझ ली, क्योंकि प्रॉपरली नाम रखा गया है, उचित नाम रखा गया है, इस केस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक। उसने कहा गुरु जी शेक्सपियर घोड़ा हाथी है क्या? अरे यार यह भी तो मनई का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके पहले आपने आर्टिकल द क्यों लगाया, ये समझाइए। तो गुरु जी ने कहा, जानना चाहोगे ना कि यहां द क्यों आएगा? तो गुरु जी ने कहा तो नियम है। अरे यार नियम कहने से काम नहीं चलेगा,
नियम किसी इंसान ने बनाया भगवान ने, जिस इंसान ने नियम बनाया होगा उसने लगाया होगा दिमाग, वह दिमाग दीजिए इस प्रकार की पढ़ाई करिए, तब हम विद्वान बनेंगे, तब हम योग्य बनेंगे, तब हम किसी काबिल बनेंगे। रटनेस काम नहीं चलेगा। उसका प्रश्न है गुरु जी शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आपने जो आर्टिकल लगाया यह गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे। अरे निपटा तुम समझा करो, यहां तो लगेगा। अरे भाई काहे को लगेगा, यही तुम्हारे पास सीखने के आए, मूर्ख हो क्या, जाना जाओ रे। अच्छा बताइए आप यहां द माने यहां पर क्या हुआ? तो गुरु जी ने समझा दिया कि कालिदास भारत के शेक्सपियर जैसे हैं, तो द माने जैसे, कालिदास भारत की तरह, भारत कालिदास भारत के शेक्सपियर की तरह हैं। एक ने बताया लड़के ने, गुरु जी ने, एक गुरु जी ने कहा कि जहां पर तुलना कराई जाए वहां पर उसके पहले धड़क। तो हमने कहा चश्मा लगा कर देखो यहां कहीं तुलना कराएगी ये क्या? इसका मतलब ये सब लंठाई वाली पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई करने से आपको ज्ञान नहीं होगा। परीक्षा पास हो जाओगे, यूपी बोर्ड पास हो जाओगे, सीबीएसई बोर्ड पास हो जाओगे, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होना चाहिए। वह कह रहा है गुरु जी द क्यों होगा, द माने तो वह होता है, द क्यों होगा ऐसे नहीं। गुरु जी पास कोई रास्ता नहीं क्यों लिया कि जहां जैसे ही अर्थ आवे जहां तुलना कराई जाए, यानी कि एन केन प्रकार जान छक्का रहे कि यही होगा। अरे यार यही क्यों होगा, एक सीखने के तुम्हारे पास आए। कनेक्ट के लिए जब विषय मजबूत होगा तभी तो सारी बात समझ आएगी। तक गुरु जी पास कोई रास्ता नहीं, तुम जाना चाहोगे गुड। यहां कालिदास प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगी, यह लड़का तरह से बना गया क्या मने का नाम है। तो यह शेक्सपियर भी मने का नाम है, इसके पहले आपने आर्टिकल दर्ज क्यों लगाया, यह उसका प्रश्न है, जानना चाहोगे। अच्छा बताओ बेटा आपका नाम क्या है? मान लीजिए आपका नाम अभिषेक, क्या है अभिषेक? यह कानपुर एक शहर है, इस पूरे शहर में एक ही लड़के का नाम अभिषेक है, बताओ, पता नहीं कितने अभिषेक होंगे। यह कानपुर एक शहर है, आपका नाम मान लीजिए क्या है अभिषेक, तो बताइए पूरे कानपुर शहर में एक ही लड़के का नाम अभिषेक है, पता नहीं कितने अभिषेक होंगे आप। अब समझिए, मान लीजिए कि शेक्सपियर के समय में पाठक कहां थे, इंग्लैंड, इंग्लैंड शेक्सपियर इंग्लैंड के थे। मान लीजिए पाठक शेक्सपियर के जमाने में इंग्लैंड के थे ना, शेक्सपियर के जमाने में पाठक कहां थे, इंग्लैंड में थे, उनके एक लड़का था, पाठक ने अपने लड़के का नाम विलियम शेक्सपियर रखा था, तो बताइए कालिदास भारत के पाठक के लड़कवा विलियम शेक्सपियर है, पता नहीं कितने अलवर खलवर रहे होंगे इंग्लैंड में जिन्होंने अपने लड़के का नाम से विलियम शेक्सपियर रखा होगा, पता नहीं कितने रहे होंगे। जिस प्रकार से इस समय कानपुर में पता नहीं कितने लड़कों का नाम अभिषेक होगा, उसी प्रकार से शेक्सपियर के जमाने में पूरे लंदन शहर में पूरे इंग्लैंड में एक के मने एक नाम शेक्सपियर था, पता नहीं कितने शेक्सपियर रहे होंगे ना। तो कौन शेक्सपियर? जो इंसान इस बात को बोल रहा है कालिदास को तो जानता है, लेकिन वहां कईयों शेक्सपियर हैं, किस शेक्सपियर से कह रहे हो? द माने वह, वह बताया ना, वह द माने वह, यह हुआ वह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है, यानी कि वहां के शेक्सपियर को निश्चित करना पड़ेगा। और जिस चीज को निश्चित करना पड़ता है उसके पहले आर्टिकल क्या लगाते हो? वह शेक्सपियर जिसने अंग्रेजी साहित्य में तहलका मचाया था, उस शेक्सपियर की यहां पर बात हो रही है, यानी उस शेक्सपियर को क्या करना पड़ा, निश्चित करना पड़ा, निश्चित करना पड़ा, तो उसके पहले आर्टिकल दल दे आ गया होगा। सर जैसे तुलना ये सब नहीं कहना चाहिए था, समझाना चाहिए कि द क्यों आएगा। फिर समझो शेक्सपियर के जमाने में
बताइए पूरे लंदन शहर में, पूरे इंग्लैंड में, देश में एक कई मैंने एक नाव शेक्सपियर था, पता नहीं कितने शेक्सपियर होंगे। तो कौन शेक्सपियर? द माने वह शेक्सपियर जिसने अंग्रेजी साहित्य में क्या तहलका मचाया था, उस शेक्सपियर की बात हो रही है। इसलिए उसके पहले आपको आर्टिस्ट का नहीं पड़ी था, बात समझ से कहा गया। जैसे कहा कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। अरे यही कानपुर में बर्रा की ओर चले जाओ, एक मोहल्ले का नाम स्विट्जरलैंड रख दो, तो कश्मीर जो है बर्रा का स्विट्जरलैंड है। पता नहीं कितने स्विट्जरलैंड हो सकते हैं बेटा। अरे यार रोज एक मोहल्ले का नाम पड़ रहा है, यही बर्रा की ओर चले जाओ, कानपुर में यही बर्रा क्या के चले जाओ, रोज एक मोहल्ले का नाम पड़ रहा है क्या? रोज एक, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग नाम रख रहे हैं, तो एक मोहल्ले का नाम रख दिया गया क्या? स्विट्जरलैंड। तो कश्मीर कानपुर के बर्रा का स्विट्जरलैंड है। कौन स्विट्जरलैंड? वह स्विट्जरलैंड जिसके बारे में संसार का बच्चा बच्चा जानता है। तो निश्चित करना पड़ा, निश्चित करना पड़ा, तो उसके पहले आर्टिकल किधर आ गया हो आपको गलत कहता बेटा। आगे दी पीछे आप, देखो आगे दी पीछे आप, तो ये प्रॉपर नाम नहीं रहा, ये कम नाम बन जाता है। अरे यार ताज देखो, ताज, ताज विद बिल्डिंग का नाम है, प्रॉपर नाम नहीं हुआ ना, प्रॉपर नाम बिल्डिंग का नाम है एवरेस्ट, ये सब नाम गंगा इस पीछे पढ़ा ना, तो ये सब नदी ये सब जो रटे हो इनके पहले आर्टिकल दर लगाते हो, कहां लगाते हो? है प्रॉपर नाउन लेकिन कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल क्या दे दो। तो ये जो आगे दी पीछे आप कॉमन नाउन सापेक्ष, अब दय नहीं कोई भी आर्टिकल आ सकती है। जैसे कहा गया मोहन इज भगत सिंह ऑफ आवर कंट्री, मोहन इज भगत सिंह। अब भगत नो भगत सिंह की तरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड शेक्सपियर देखे हैं ना, तो भगत सिंह की नहीं बे, तो मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है। तो यहां पर यह प्रॉपर नाम तो है लेकिन अनिश्चितता है, और भी लोग हो सकते हैं, इसलिए मोहन इज ए भगत सिंह। यहां पर ए लगेगा, क्या लगेगा? आर्टिकल किसका इस्तेमाल होगा? ए, मोहन इज ए भगत सिंह ऑफ आवर कंट्री। आगे दी नहीं है, ए है, आप है, कॉमन नाउन के रूप में बताया था। जो चीज निश्चित है उसके पहले आर्टिकल दर लगाओगे, और जो अनिश्चित है उसके पहले आर्टिकल ए लगे। तो यहां अनिश्चितता है, बहुत सारे मोहन की तरह और भी लड़के, अमित भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, इसलिए यहां पर क्या लगा? ए। जैसे कहा गया नहीं, रवि इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। सचिन इज सचिन तेंदुलकर की तरह और भी बहुत सारे, पता नहीं कितने सारे लड़के भारत, अरे धोनी हुए, विराट हुए, फलाना हुए, धमाका हुए, तो सचिन की तरह और भी बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं। अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, यहां पर क्या लगाओगे? ए, यानी देख रहे हो ना, ए और एन भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह इतना क्या बन गया? ए सचिन तेंदुलकर ऑफ कॉमन नाउन हो गया, ए भगत सिंह ऑफ कॉमन नाउन हो गया, द स्विट्जरलैंड ऑफ कॉमन नाउन हो गया, द शेक्सपियर ऑफ कॉमन नाउन हो गया। आगे आर्टिकल लगी हो, पीछे आप लगाओ, यहीं पर कहीं पर भी, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। आगे अवश्य आगे दी पीछे आप कॉमन नाउन साफ ऐसा। तो हमने बताया आपको कि प्रॉपर नाउन के प्रॉपरली जब उसका इस्तेमाल किया जाएगा तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा,
लेकिन जब उसे हम कॉमन नाउन बना देते हैं तो उसके पहले आर्टिकल लगानी पड़ती है बेटा, ए एंड द में से कोई भी आ सकती है। जैसे एक सेंटेंस और बेटा, जैसे कहा द प्रिंसिपल, अच्छा सिचुएशन, अच्छा बताओ राम के पहले आर्टिकल आएगी नहीं आएगी, लेकिन हम ऐसा वाक्य बनाने जा रहे हैं जहां राम के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा, द प्रिंसिपल सेड कामा इन्वर्टेड कामा काल राम हु मेड ए मिस्टेक यस्टरडे, यह वाक्य है हु मेड ए मिस्टेक यस्टरडे। अब सिचुएशन देखो, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा काल राम, राम को बुलाओ जिसने कल खुराहरापन किया था, यह वाक्य है। अब सिचुएशन देखो, अब हर जगह तो राम पहले आर्टिकल नहीं आएगी, लेकिन यहां आएगी, क्यों आएगी इसको समझो। एक स्कूल है, उस स्कूल में एक प्रिंसिपल साहब है और 1200 लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। उन 1200 लड़कों में 5 लड़कों का नाम क्या है, राम है। अरे यार 1200 लड़के पढ़ते हैं, उन 1200 लड़कों में 5 लड़कों का नाम क्या है, राम है। अब सेंटेंस पढ़ो, राम को बुलाओ, कौन से राम को बुलाओ, 5 राम हैं तो किस राम को बुलाया जाए, उस राम को बुलाया जाए जिसने कल हरामी पना किया था। तो यह जो आप है, यह जो हु मेड ए मिस्टेक स्टडे, यह किसकी विशेषता है, राम की। तो राम निश्चित हो गया ना, सब राम को ना बुलाओ, किस राम को बुलाओ, उस राम को बुलाओ। इसलिए राम के पहले यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, दर सीधे सीधे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे करेक्ट नाउन हो, जितना आगे सब आगे पढ़ाएंगे हमारी बात ना, सब क्लियर करेंगे। तो प्रॉपर नाउन तो राम है, इसके पहले तक क्यों लगा, क्योंकि यहां प्रॉपर नाउन को क्या करना पड़ा, निश्चित करना पड़ा, हमारी बात सुनना। तो एक एक पॉइंट जब आपके दिमाग में क्लियर होगा तब आपको कोई फेल नहीं कर सकता बड़ा चैलेंज। पाठक पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं रटना है, कुछ रटने वाले विद्यार्थी होते बड़ा, वह हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, साफ साफ बता दे रहे हैं। कुछ एक पढ़ा रहे थे, एक लड़के ने कहा गुरु जी हमारा 2 महीने में कंपटीशन का इम्तहान है, तो हमने कहा हम नहीं पढ़ा पाएंगे, साफ साफ बात, पढ़ना आपको है ना, धोखा करके पास हो गए। देखो आज एक पेपर निकला है, मोदी ने कह दिया सब चेक करो, सब डाटा योग्य आदमी भर्ती हो रहा है कि, अरे शिक्षक भर्ती में यार सब गच्चा हो जाएगा। इसलिए अब मोदी और योगी आ गए हैं, अब सब गच्चा होगा बेटा, आपके अंदर योग्यता होगी तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, हमारी बात सुनो। तो आपको सलाह देते हैं कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना बेटा, अब घंटी जरूर जाए, नहीं नहीं पढ़ाई क्या करो, पढ़ने में तो बेटा टाइम लगेगा, पढ़ना एक तपस्या है, और आप पेपर देख रहे हो सिचुएशन बदलने वाली, ऐसी बात नहीं है, पहले मिल जाता थी, अब आप जो है कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, अब वो चुनेगा वो कि कौन टॉप क्लास का लड़का है, उसी को देगा, बाकी तो सब हम लोग जैसे लोग हैं ऐसे भी समाज में जी रहे हैं, ठीक है, बात समझ, थैंक यू, बाकी कल।